हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोईज़ वर्ल्ड। होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में मैं आपके बच्चों से रिलेटेड, स्पेशली छोटे बच्चों से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स, इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने आई हूँ एंड जो कि आजकल पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कंसर्न है एंड दे आर कंफ्यूज एंड दे आर लाइक वरिड कि हमें बच्चों को उनकी स्टडीज़ को लेकर कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे चलना है, किस तरह की उन्हें क्लासेस प्रोवाइड करनी है, किस तरह की उन्हें मीडियम होना चाहिए पढ़ाई का, घर पे पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लासेस लें या फॉर्मल स्कूल्स में कराएं या प्राइवेट ट्यूशन्स लें। इन सब का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आई होप कि मैं कुछ आपके कन्फ्यूजन क्लियर कर पाऊँ और आपके लिए, आपके बच्चों के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में कुछ हेल्प कर पाऊँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डू स्टिक टू माई वीडियो टिल द एंड एंड अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट करके बताएँ आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए या किस तरह की आपकी क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके कन्फ्यूजन्स हैं। सो आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपके डाउट्स, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करूं। सो आज का मेरा ये टॉपिक है क्योंकि इस पैराडेमिक सिचुएशन के वजह से स्कूल्स आर क्लोज एंड कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई या घर पे पढ़ाई के अलावा वी कैन नॉट सेंड द चिल्ड्रन आउट। पहले ये रहता था कि प्ले स्कूल में भेजना है या फॉर्मल स्कूल में भेजना है, इस पर पेरेंट्स को कन्फ्यूजन रहता था। बट अब ना हम फॉर्मल स्कूल्स में भेज सकते हैं, ना प्ले स्कूल्स में भेज सकते हैं। सो हमें ऑनलाइन क्लासेस किस एज से शुरू करनी है, किस तरह की क्लासेस उनको प्रोवाइड करनी है, फॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाएं या प्राइवेट ट्यूशन्स लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको क्या कैसे उसको लेकर के फॉरवर्ड आप चल सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग कि फॉर्मल स्कूल्स आर ओपन। फॉर्मल स्कूल्स जितने भी हैं, बिग स्कूल्स हैं, वो उन्होंने अपना एडमिशन ओपन किया हुआ है। वो एडमिशन ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू लेते हैं, जिसमें कि आपका कोई भी जूम कॉल पे या किस पे आपका इंटरेक्शन होगा प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ, बच्चे का इंटरेक्शन होगा, थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट थिंग इसमें ये है, लुक आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग और एनी इंस्टीट्यूट, बट फॉर्मल स्कूल्स अपनी फ़ीस प्रॉपरली पूरी, उनकी जो एकेडमिक फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस हो गया, मंथली चार्जेस हो गए, वो लेते हैं। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज दे हैव गॉट सो मैनी टीचर्स, उनका स्टाफ है, दे हैव टू मेंटेन दैट, दे हैव टू प्रोवाइड फॉर देम। सो वो अपनी पूरी फ़ीस लेंगे। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई ज़रूर होती है फॉर्मल स्कूल्स में, बट द मीडियम इज़ ऑनलाइन। प्रेमाइसेस क्लोज्ड हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं या आप कहिए कि जो फैसिलिटीज़ स्कूल प्रोवाइड करता है वो बच्चा नहीं ले पाएगा थ्रू ऑनलाइन स्टडीज़। स्पेशली स्मॉलर किड्स की मैं बात कर रही हूँ, प्री प्राइमरी में जो हैं, से नर्सरी, किंडरगार्टन या क्लास 1-2, इनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो जब आप फॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, बच्चे को पढ़ाई जाएगी, जो किसी भी मीडियम से आप ऑनलाइन के थ्रू पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट ट्यूशन्स या प्राइवेट ट्यूटर्स, जो कि बहुत वास्ट वेराइटी में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप यू कैन चेक, काफ़ी सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जो खुद प्री स्कूल टीचर्स रह चुके हैं या स्कूल में टीचर हैं या अब उनके पास जॉब नहीं है या न्यूली दे आर फ्रेशर्स भी अवेलेबल हैं, जो काम ना होने की वजह से दे आर फ्री, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें ये फ़ायदा है, मॉनेटरी बेनिफिट है, आप कम फीस में आप वही चीज़, वही इन्वायरमेंट या वही ऑनलाइन स्टडीज़ आप ले सकते हैं थ्रू द ऑनलाइन ट्यूशन्स, जो कि आपको कम फीस में मिल जाएगा। इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, अगर टीचर अच्छा क्वालिफाइड नहीं है तो शायद उस तरह से आपके बच्चे को गाइडेंस, उस तरह के आपके बच्चों की टीचिंग ना मिले। बट उसके लिए आप पहले डेमो सेशन लें, कभी भी पहले फ़ीस पे करने से पहले या फिक्स करने से पहले डू टेक द डेमो सेशन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डेमो सेशन प्रोवाइड करते हैं, आप पहले डेमो सेशन लेके देखें टीचर की क्वालिटी, क्योंकि यू विल बी प्रेजेंट देयर। आप देख सकते हैं टीचर का वे ऑफ टीचिंग और बच्चे के साथ इंटरेक्शन, और बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं, ये चेक करके आप तभी उसको उन क्लास में एनरोल कराएं। ये हो गया सेकेंड थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज़ यू कैन होम स्कूल, मतलब किसी के थ्रू आप क्लास में, स्कूल में ना एडमिशन कराएं, बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन ना दें, बट खुद पढ़ाएं। खुद पढ़ाने के लिए भी यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। उसके लिए आप करिकुलम जो ऑनलाइन मिलते हैं किस वे में, बिकॉज यू नो छोटा भी बच्चा हो, प्ले ग्रुप में भी हो, प्री नर्सरी में भी हो, तो एक प्री डिटरमाइन या प्रिस्क्राइब्ड वे में उसे पढ़ाना होता है कि पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या करना है, तो उसे कहते हैं हम करिकुलम। तो करिकुलम आप ऑनलाइन ले सकते हैं, पेड करिकुलम मिलता है, जो थोड़े अच्छे प्रोफेशनल करिकुलम्स हैं वो आपको पेड मिल जाएंगे, उसको आप करें। कुछ वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उसका आप प्रिंट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। बुक्स आपको मिल जाएंगी, मैंने कुछ बुक्स पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए कि किंडरगार्टन या प्ले स्कूल की, प्री स्कूल, प्री नर्सरी की किस तरह की बुक्स लेनी चाहिए आपको, वो आप वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। सो आपको बुक्स लेनी होंगी, थोड़े बहुत वीडियोस की हेल्प लेनी होगी आपको कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। देयर आर सो मैनी वीडियोज़ अवेलेबल मेरे चैनल पे भी, दूसरे चैनल्स पे भी, यू कैन चेक दोज वीडियोज़। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल गाइडेंस कि किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना है। और सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द करेक्ट एज फॉर द चिल्ड्रन जिसमें आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा सकते हैं। देखिए जो फॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है, जो ऑफलाइन मेथड है, उसमें तो ये होता है कि बच्चा थोड़ा सा बोलने लग जाए, या बोलने नहीं भी लग रहा है तो बॉडी ट्रेन हो जाए, या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हुए उनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। बट यहाँ पे है ऑनलाइन लर्निंग। सो टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनलाइन जो कंसेप्ट है या स्क्रीन टाइम का जो कंसेप्ट है, दैट इज़ नथिंग न्यू टू द चिल्ड्रन। सारे ही बच्चे जो हैं, दे आर एट होम एंड दे आर लर्न, दे आर यू नो वॉचिंग मोबाइल्स, वॉचिंग टीवी और वॉचिंग टैब और वॉट एवर। वो सारा दिन या तो गेम खेलेंगे या वो वीडियोस देखते हैं। इट इज़ नथिंग के बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होंगे जो बच्चे स्क्रीन नहीं यूज़ करते होंगे, स्क्रीन टाइम नहीं होगा उनका। बट ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भी स्क्रीन देख रहा है। ये बात है कि उनका आँखों पे असर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। जब छोटे बच्चे स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल देखें या जो भी मीडियम से वो स्क्रीन देखते हैं, तो उनके आँखों पर असर पड़ता है। सो ये चीज़ मॉनिटर करनी है हमको। बट मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चा अगर छोटा भी है और आप ये सोच रहे हैं कि अभी से ऑनलाइन वो स्क्रीन देखेगा, सो वो वैसे भी घर पर देख रहा है। सो अगर कुछ प्रोडक्टिव वे में वो सीख जाए, या लर्निंग के लिए अगर आप उसको ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, तो इट्स नथिंग बैड कि इतना छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा सारा कुछ बहुत बड़ी कोई चीज़ सिखा देंगे बच्चों को। बच्चों को ऑनलाइन जो छोटे बच्चों के लिए है, वो भी जैसे प्ले स्कूल में जो होता है वही टीचर सिखाती हैं, प्ले वे में। स्टोरीज़ होती हैं, राइम्स होती हैं, कुछ क्राफ्ट वर्क, कुछ ड्राइंग, कलरिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करके ऑनलाइन क्लास को भी इंटरेस्टिंग टीचर्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सो ये नहीं है कि आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं। एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू एंड द टीचर जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके खुद के बच्चे। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको डेमो सेशन लेना चाहिए, तो टीचर के लिए नहीं, बच्चे के लिए भी आपको डेमो सेशन ज़रूरी है कि हाउ कंफर्टेबल ही इज़ विद द ऑनलाइन सेशन। वो बैठ रहा है, उसे कैसा लग रहा है, वेदर ही इज़ एंजॉइंग, वेदर ही इज़ कंफर्टेबल। और ये भी एक चीज़ मैं बता दूं कि फ़र्स्ट सेशन में आपको शायद ना पता लगे, या फर्स्ट सेशन में बच्चा थोड़ा हेजिटेंट हो, बट ग्रेजुअली जब उसे कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएं, या उसको इस कंसेप्ट से वो फेमिलियर हो जाए, तब वो इंटरेस्ट गेन करेगा इवेंचुअली। सो ये भी एक चीज़ है. सो यूल हैव टू बी पेशेंट, यूल हैव टू वेट एंड वॉच, और आपको कम्प्लीटली बच्चे पर करना चाहिए. सो आई वुड रिकमेंड कि आप स्मॉल बैचेस या कुछ थोड़े टाइम का कोई सेशन लेकर आप शुरुआत करें और देखें कि बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं, या बच्चा उसे ग्रास्प कर रहा है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं. सो दैट इज़, देयर इज़ नो करेक्ट एज जिससे कि आप करवाएं, बट हाँ क्लासेस से रिलेटेड करेक्ट एज होती हैं. नर्सरी के लिए क्या क्लास है, प्री नर्सरी, केजी, एलकेजी, इसकी क्लासेस किस एज पे होती हैं, वो ज़रूर आपको पता करके एडमिशन कराना चाहिए बच्चे का. सो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इन पर, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आई बटन पे चेक कर सकते हैं कि क्या सही क्लास है एज के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए. सो दीज वे सम ऑफ दी टिप्स, और इस पर ज़रूर ध्यान रखें. हाँ, जब ऑनलाइन बच्चा क्लासेस ले तो ज़रूर ध्यान रखें कि वो अपनी आइज़ वॉश करे, आई की एक्सरसाइज हो उसकी थोड़ी सी, और बहुत लंबे सेशंस ना हो. 30 to 40 मिनट्स का एक सेशन इनफ है बच्चे के लिए. ब्रेक मिलना ज़रूरी है, उसके बाद दूसरा सेशन शुरू हो. इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि बच्चों के आइज़ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े. सो दीज वर सम ऑफ दी टिप्स. आई होप के आपको मेरे टिप्स यूज़फुल लगे हों, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.